हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और आज मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। इंटरव्यू में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और इसका जवाब किस तरह से देना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो मेन सवाल है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में बताइए। तो ये जब सवाल पूछा जाता है तो इसका जवाब क्या क्या देना चाहिए, इस सवाल में जब भी पूछा जाता है तो आपको आंसर क्या देना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको पूरा नाम बताना है, आप कहाँ से आए हैं इसके बारे में बताना है, आपके एजुकेशन के बारे में बताना है, आपके फैमिली के बारे में बताना है, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, आपके क्वालिटीज़ क्या है, स्किल क्या है एडिशनल उसके बारे में बताना चाहिए, हॉबीज़ के बारे में बताना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस बताना चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो इसके बारे में डिटेल में बताना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। गुड मॉर्निंग राजू। राजू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज राजू शर्मा। आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर बट करंटली स्टेइंग इन मुंबई। आई डिड माय बीटेक इन मैकेनिकल फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी, बीओई फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एनर्जी मैनेजर एंड एनर्जी ऑडिटर फ्रॉम NPC India. I have 10 year experience in boiler operation, maintenance and commissioning. I am currently working in power plant as a manager. I belong to a nuclear family. My strengths are I am self-motivated, I am hardworking and a self-disciplined person. My goal is to get a good job in good position in good industries when I am a build my career and help the organization. My hobbies are listening music and reading books. Thank you again for this giving opportunity to me. तो बताओ राजू, बरसात में जब बारिश का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, तो चिमनी में इतना सारा पानी चला जाता है, तो वो पानी कहाँ जाता है? सर ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सर एक्चुअली क्या होता है कि बरसात में पानी आता है, लेकिन क्या होता है कि जो चिमनी का जो टेम्परेचर होता है वो 120 अबव होता है, तो क्या होता है सर वो जो पानी आता है वो वेपराइज होके बाहर वेपर के थ्रू चला जाता है, इसलिए अपने को वो दिखता नहीं सर। तो बताओ राजू, अपन जो लाइट अप करते हैं वो फर्स्ट कंपार्टमेंट से ही क्यों करते हैं, लास्ट कंपार्टमेंट से क्यों नहीं करते? सर बॉयलर में मास्टर कंपार्टमेंट फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है और अपना जो लास्ट कंपार्टमेंट होता है वो उसमें क्या होता है बेड सुपरहीटर होता है। तो जब भी अपन फिफ्थ कंपार्टमेंट से लाइट अप करते हैं तो क्या होता है सुपरहीटर के टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इसलिए अपन जब भी लाइट अप करते हैं तो वो फर्स्ट कंपार्टमेंट से ही लाइट अप करते हैं, वही बेस्ट होता है क्योंकि सुपरहीटर का टेम्परेचर इसमें सुपरहीटर नहीं होने के कारण सुपरहीटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और बॉयलर सेफली लाइट अप होता है। तो बताओ राजू, बॉयलर का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है और राइट हैंड साइड कौन सा होता है, ये कैसे आप बता सकते हो? सर अपन चिमनी के फ्रंट में खड़े रह के, जैसे चिमनी के डायरेक्शन में आपको खड़ा रहना है और उस डायरेक्शन में देख के आपको बता सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है और राइट हैंड साइड में होता है। मैं चिमनी के डायरेक्शन, जैसे बॉयलर पे खड़ा हूँ और मैं चिमनी के डायरेक्शन में खड़ा हूँ, तब मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड में होगा। तो मैं जब भी बॉयलर का लेफ्ट साइड बोलूँगा तो लेफ्ट साइड रहेगा और राइट साइड बोलूँगा तो राइट साइड रहेगा। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।